हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू एस कुमार कोचिंग सेंटर, क्लास 9th, ज्योग्राफी पार्ट 2। प्रश्न 1, हिमाचल हिमालय की सबसे महत्वपूर्ण और लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? उत्तर, पीर पंजाल श्रृंखला। प्रश्न 2, आज का कौन सा महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था? उत्तर, यूरोप। प्रश्न 3, भारतीय भूभाग का सबसे पुराना भाग कौन सा है? उत्तर, दक्षिणी प्रायद्वीप भारतीय भूभाग का सबसे पुराना भाग है। प्रश्न 4, किस राज्य में सतपुड़ा की पहाड़ियां स्थित है? उत्तर, मध्य प्रदेश। प्रश्न 5, किस समुद्र खाड़ी में लक्षद्वीप के टापू स्थित है? उत्तर, लक्षद्वीप के टापू अरब सागर में स्थित है। प्रश्न 6, शिवालिक की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? उत्तर, शिवालिक की पहाड़ियां हिमाचल प्रदेश में स्थित है। प्रश्न 7, तीन और सागरों से घिरे हुए भूभाग को क्या कहा जाता है? उत्तर, तीन और से सागरों से घिरे हुए भूभाग को प्रायद्वीप कहा जाता है। प्रश्न 8, प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत क्या है? उत्तर, इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी को ऊपरी परपटी 7 बड़ी कुछ और छोटी प्लेटों से बनी है। प्रश्न 9, गोंडवाना भूभाग में कौन से देश सम्मिलित थे? उत्तर, गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिका के क्षेत्र सम्मिलित थे। प्रश्न 10, देशांतरी विस्तार के साथ हिमालय को कितने भागों में बांट सकते हैं? उत्तर, महान या आंतरिक हिमालय या हिमद्री, सेकंड, हिमाचल या नीम हिमालय, थर्ड, शिवालिक। प्रश्न 11, हिमाचल या नीम हिमालय की एक विशेषता का उल्लेख कीजिए। उत्तर, इस श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां स्थित है। इसे क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। प्रश्न 12, हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है? उत्तर, यह विभाजन नदी घाटी की सीमाओं के आधार पर किया जाता है, जो कि निम्नलिखित है, पंजाब हिमालय सतलुज एवं सिंधु के बीच, कुमाऊं हिमालय सतलुज और काली के बीच, असम हिमालय तीस्ता और दिहांग के बीच, नेपाल का हिमालय काली और तीस्ता के बीच। प्रश्न 13, उत्तरी मैदान किन प्रमुख नदी प्रणालियों से बना है? उत्तर, उत्तरी मैदान तीन प्रमुख नदी प्रणाली सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। प्रश्न 14, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों को संयुक्त नाम क्या है? उत्तर, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम पूर्वांचल है। प्रश्न 15, पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? उत्तर, महेंद्रगिरी, जो 1501 मीटर है। प्रश्न 16, भारतीय मरुस्थल की दो विशेषताएं लिखिए। उत्तर, यह बालू के टिब्बों से उपका एक तरंगत मैदान है। सेकंड, इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इस शुष्क जलवायु क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम होती है।
प्रश्न 17, पश्चिमी तट के मैदान के तीन भाग कौन से हैं? उत्तर, तट के उत्तरी भाग को कोणक मुंबई या गोवा, मध्य भाग को कन्नट मैदान और दक्षिण भाग को मालाबार तट कहा जाता है। प्रश्न 18, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी और कहां पर स्थित है? उत्तर, चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह उड़ीसा के महानदी डेल्टा के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। प्रश्न 19, लक्षद्वीप की दो विशेषताएं लिखिए। उत्तर, द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला है। प्रश्न 21, भूभर्गीय प्लेटें क्या है? उत्तर, पृथ्वी की भीतर होने वाले विद्युत तरंगीय क्षय से ताप उत्पन्न होता है जो द्रवित सेलों में समाहित तरंगे उत्पन्न करता हुआ धरातल की ओर निकलने की चेष्टा करता है। इन ऊपर उठती हुई तरंगों द्वारा ऊपरी परत फटकर बड़े बड़े टुकड़ों में बढ़ जाती है जिन्हें। प्रश्न 22, आज के कौन से महाद्वीप गोंडवाना लैंड के भाग थे? उत्तर, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और भारत। प्रश्न 23, भावर क्या है? उत्तर, नदियों पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटका का निक्षेपण करती है। इसे भावर के नाम से जाना जाता है। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।